हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छोटे छोटे फिलर्स बनाना सीखेंगे जो हमारे डेकोरेशन में बहुत ही काम आते हैं। कई बार हम मार्केट जाते हैं और हमें मिलते नहीं हमारे मन मुताबिक फिलर्स, तो क्यों ना हम घर बैठे हमारे पास में जो सामान है उससे बनाएं सिंपल और आसान तरीके से। तो आज के वीडियो में हम फिलर बनाना सीखेंगे। फिलर में दो तरीके के बनाना सिखाऊंगी, थोड़े थोड़े डिफरेंट है लेकिन लगेंगे बहुत ही सुंदर वो फिलर। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंपल वाले फिलर्स बनाए थे जो इसी से थर्माकोल बॉल्स और फ्लेक्सिबल वायर लेके बनाए थे। आज के फिलर हम जो बना रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़ा ट्विस्ट है उसमें और बहुत ही सुंदर बनेंगे। स्टार्ट हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने सिंपल मोती वाले फिलर बनाए थे जिसमें थर्माकोल बॉल का यूज़ किया था। फ्लेक्सिबल वायर लेना है और थर्माकोल के बॉल्स लेने हैं और हल्का हल्का हमने ग्लू लगाकर इसे इस तरह से तैयार करना है। अगर थर्माकोल बॉल्स इस तरह के नहीं मिल रहे हैं आपको तो आप एमसील का यूज कर सकते हैं। एमसील के छोटे छोटे बॉल्स बना के आप बिल्कुल इसी तरह के से फ्लेक्सिबल वायर में लगाकर बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का ग्लू मैंने ले लिया है और साथ में मैं थर्माकोल बॉल्स में लगाते आ रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हम ढेर सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, थर्माकोल बॉल लग के रेडी हो गए हमारे स्टिक्स। अब हमें क्या करना है, एक्रेलिक पेंट लेना है। बिल्कुल वही तरीका है जो सिंपल हमने बनाया था। इसके बाद हम इसमें ये देखिए इसमें डिप करना है और अच्छे से इसे झड़का के कलर निकाल देंगे हम एक्स्ट्रा। जितना भी एक्स्ट्रा कलर है झड़का के हम निकाल देंगे। और एक बार यहाँ हम लगा लेंगे। थोड़ा कलर झड़का लेंगे नहीं तो नीचे गिरेगा। इसे हमने पूरा नहीं सुखाना है, हल्का हल्का सा हम सुखाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक और पेंट ले लेते हैं हम। इस बार हम येलो कलर लेते हैं, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, बहुत स्टिक नहीं लेना है हमें, बहुत थिक नहीं लेना है। ये देखिए इसी तरह से हमने येलो पेंट में डुबोना है। एक्स्ट्रा पेंट झाड़ के हमने निकाल देना है। तरीका वही है बट इसमें हम और एलिमेंट ऐड करेंगे ताकि एकदम डिफरेंट हमारा फिलर बने। खूब अच्छे से डिप कर लेना है और फिर हमने एक्स्ट्रा पेंट पूरा निकाल देना है इस तरह से झड़का के। देखिए इसी तरह से हमने हमें सारे बॉल्स को पहले तैयार करना होगा। सारे बॉल तैयार करने के बाद में ये देखिए ये बारीक मोती है, एकदम बारीक मोती चिड़, एकदम बारीक कटिंग वाले मोती है वो हम लेंगे। और देखिए इस तरह से जो हमने
पेंट लिया है, उस पर इसे पूरा हम छिड़क देंगे। और जब ये कलर सूख जाएगा, सारे ये छोटे छोटे से बारीक वाले मोती भी कलर के साथ साथ सूख जाएंगे। और ये देखिए एकदम डिफरेंट स्टाइल का हमारा फिलर एक और तैयार हो जाएगा, बहुत ही सुंदर, पूरा अच्छे से डिप कर देना है। और इस तरह से इसे सूखने के लिए छोड़ देना। खूब अच्छे से बारीक बारीक मोती हम लेंगे। जब ये सूख जाएगा तभी बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा पेंट बहुत सारा आ गया है, वो हम निकाल देंगे। और इसे भी देखिए कलर कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने पिंक के ऊपर रेड कलर है तो रेड ले लीजिए, तो एक ही कलर का बहुत ही सुंदर लगेगा बना हुआ। या शेडेड लेना है तो हम डबल कलर से भी ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह देखिए येलो मैंने लिया है रेड चिट के साथ में, अब येलो ले रखा है। यहाँ जो हमने येलो करके रखी है, एक्स्ट्रा पेंट देखिए अगर है तो निकाल दीजिए। अब बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे हम डबल कलर में करेंगे, अपोजिट कलर में करेंगे तो भी बहुत सुंदर बनेगा। ये देखिए कितना सुंदर क्रिस्टल वाला हमारा फिलर तैयार हो रहा है। और इसे सूखने देंगे बहुत अच्छी तरह, चाहे पूरा दिन क्यों ना लग जाए, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे जब तक कि ये पूरा सूख नहीं जाता, पूरा कलर सूख नहीं जाता, पूरी चीड़ इस पर लगकर सूख नहीं जाती, बिल्कुल निकल के गिरनी नहीं चाहिए। थोड़ा पेशेंस रहेगा तो ही ये होगा। पूरा रात भर से छोड़ देवें या सुबह से लेकर शाम तक छोड़ देवें, 8 से 10 घंटे से छोड़ दें, बिल्कुल भी देखें ही नहीं, जिससे कि पूरा कलर पेंट सूख जाए और साथ में लगे हुए ऊपर के ये सारे बारीक मोती। और इस तरह से हम अलग अलग कलर में भी तैयार कर सकते हैं जो कलर में हमें चाहिए। मैंने आपको रेड और येलो बताया है, आप ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, जो कलर चाहें वैसे कलर का आप बना सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से हमने हमारे सारे फिलर्स को रेडी करना है और इस तरह से स्पंज पर सूखने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए दोस्तों हमारे फिलर्स पूरी तरह से सूख गए हैं, एकदम अच्छे से सूख चुके हैं ये। अब हमने क्या करना है, इसका बस बंच बना लेना है, या जैसे आप यूज करना चाहें वैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सबने इकट्ठा किया है सबको, नीचे से हम इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे। और ये देखिए कितना सुंदर पिलर बन गया है बीड्स वाला, और बीड्स की शाइनिंग जो आ रही है वो अलग ही आ रही है, और ये लगने के बाद में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। कुछ कुछ बीड्स इसके एक्स्ट्रा होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, बारीक वाले बीड्स यूज करने हैं। इसी तरह हमने ये बंच भी तैयार करना है, या सिंगल डबल जैसे आप यूज करना चाहें वैसे आप इसे तैयार कर सकते हैं। और बंच में बनने के बाद आप देख रहे होंगे कि कितनी
खूबसूरत लगने लग गई है हमारी फिलर्स, और सूखने के बाद देखिए ऐसे निकल भी नहीं रहे, जो एक्स्ट्रा होंगे वही निकलेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं निकल रहे, जो एकदम चिपक गए हैं वो नहीं निकल रहे। ये देखिए हमारे फिलर्स रेडी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलर दिख रहा होगा, मैंने एक और कलर के बीट से ट्राई किया है। इसी तरह आप ट्राई करते रहें अलग अलग बीट से, अलग अलग कलर से, देखिए बहुत ही सुंदर फिलर्स आप आसानी से घर बैठे बना सकेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।